तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ चार मीटर है तो अगर तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक सीधा कंडक्टर है ये वाला जो कंडक्टर है वो एक सीधा कंडक्टर है जिसकी लेंथ यहाँ से दिया हुआ है दैट इज़ फोर मीटर तो लेंथ ईयर इज़ ए फोर मीटर ऑफ दिस कंडक्टर और ये जो कंडक्टर है मूव विथ स्पीड ये आगे जा रहा है भी वेलोसिटी से जिसकी वैल्यू सेवन मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बोर्ड के परपेंडिकुलर दूसरे कलर से बनाता हूँ तो मैं ज़्यादा फील आएगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है जो कि कांस्टेंट है इसके परपेंडिकुलर है लेंथ के जिसकी वैल्यू 0.9 है तो आसान सवाल है द ई एम एफ जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर तो ई एम एफ जनरेट होता है बी बी एल डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो बी ज़ीरो पॉइंट नाइन है बी यहाँ से सेवन है और एल यहाँ से फोर है ठीक है ना तो अगर अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो टू फिफ्टी टू मतलब टू पॉइंट फाइव बोल्ट ई एम एफ जनरेट हो जाएगा टू पॉइंट फाइव टू बोल्ट मतलब ये डी ऑप्शन सही है